सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं, हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। आज का पंचांग 12 जनवरी 2023 दिन गुरुवार, मांग मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, शाम 4:36 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र 2:24 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:46 से 3:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:48 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 9 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती की शुभकामनाएं। कुंभ राशि 12 जनवरी 2023 दिन गुरुवार, आपका समय फिलहाल रेंगता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन धीरज रखें और अपनी उत्सुकता भी बनाए रखें। हालांकि आपको अपने किसी वादे या किसी निजी संबंध की खातिर को समय के लिए अपने लक्ष्यों को एक तरफ करना पड़ सकता है। अपने पार्टनर के साथ विवादों और गलत फहमियों से बचें। अधिक परेशान ना हो, थोड़ा सा योजना बनाकर चलेंगे तो आसानी से अपने दोनों एजेंडा पूरे कर पाएंगे। बदलाव अभी जरूरी है। आपकी योजनाएं घर में किसी मतभेद या किसी आवश्यक मरम्मत के कारण रद्द हो सकती है। जोखिम भरे निवेश से बचें। अभी निर्णयों को ध्यान पूर्वक लेने के लिए समय निकालें। आत्मनिरीक्षण आज की जरूरत है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक मामले आपको आकर्षित करेंगे। आज आप अपने जीवन या साथी के लिए भावुक महसूस कर सकते हैं या अपने संबंधों से ठोकर खा सकते हैं। आपका दिमाग और दिल दोनों आपकी मदद करेंगे। मंजिल को दूर देखकर ना डरें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो मंजिल आपका हौसला देखकर खुद आपके पास आएगी। दिन के शुरुआत में ही फोन अथवा मीडिया के माध्यम से कोई शुभ सूचना मिल सकती है जिससे मन प्रफुल्लित भी रहेगा। बच्चों को अपनी पढ़ाई अथवा करियर से संबंधित समस्याओं का कोई समाधान मिलने से सुकून और राहत भी रहेगी। परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ती हुई भी नजर आएगी, इस कारण तनाव महसूस होगा। अपनी कार्य क्षमता को ध्यान में रखकर काम करते रहें। जो बदलाव आपको महसूस हो रहे हैं वह भावनात्मक रूप से तकलीफदायक साबित होंगे, लेकिन इन बदलावों के कारण लोगों में कई बातें सरलता से होगी। यदि काम की वजह से यात्रा करने का मौका मिलता है तो उसे स्वीकार करें। पार्टनर और परिवार को वक्त देने की कोशिश करनी भी होगी। एलर्जी की समस्या हो सकती है, ध्यान रखें। कुछ खास लोगों से संपर्क करने से आपकी सोचने की शैली में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। अपने काम के लिए अधिक जागरूक होना और एकाग्रता रखना आपको सफलता दिला सकता है। किसी करीबी की ओर से आपकी आलोचना आपको हताश कर सकती है, इसलिए किसी पर ज्यादा भरोसा ना करें और अपनी योजनाओं की घोषणा करें। इस समय खर्चे अधिक हो सकते हैं। पार्टनरशिप के कारोबार में पारदर्शिता रखना भी जरूरी है। अपनी निजी बातों को किसी के सामने प्रकट ना करें। चुपचाप तरीके से किया गया कोई भी काम आपको सफलता दिला सकता है। कोई बहुत कठिन समय अचानक संभव होने से मन में प्रसन्न रहेगा। अपना सामान दस्तावेज आदि संभाल कर रखें। चोरी या गुम होने की स्थिति बनेगी। अगर आप घर की देखभाल करने की योजना बना रहे हैं तो बजट पर नजर रखना जरूरी है। व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। व्यावसायिक तनाव का असर अपने घर पर ना पड़ने दें। सामाजिक सीमाएं बढ़ेगी। आपका व्यक्तित्व भी बेहतर के लिए बदल सकता है। यदि कोई कोर्ट केस अटका हुआ है तो फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। खरीदारी का समय है। बच्चों और परिवार के साथ मस्ती करें।
आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। कुछ लोग आपकी सफलता से जलकर आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। सावधानियां: आर्थिक दृष्टि से अभी समय अनुकूल नहीं है, अपनी भावनाओं पर काबू रखें, वरना कोई आपका फायदा उठा सकता है। भूमि या वाहन संबंधी लोन लेने से पहले किसी की सलाह अवश्य लें। दिखावे के कारण खर्चों पर अंकुश लगाना थोड़ा मुश्किल लगेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आज के दिन आपके लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी में पहली बार प्यार को आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर देख पाएंगे। जो आपस में बहुत प्यार करती हैं, वे अपने संबंध को किसी परंपरागत तरीके से कोई समारोह करके अगले स्तर पर ले जाना चाहेंगी। लेकिन अगर आपके परिवार को इससे कोई परेशानी है, तो आप सही समय का इंतजार कर सकती हैं। आज का अधिकतर समय आप अपने घरेलू मामलों को सुलझाने में गुजारेंगे। इस समय आप प्यार और रोमांस को लेकर बेहद उत्साहित और उतावले हैं। बस शब्दों पर नियंत्रण रखें, दिल किसी के साथ भी धड़कता है, तो प्यार के इजहार में देरी ना करें। अगर आप अपनी भावनाओं को अपनी सोलमेट से व्यक्त करेंगे, तो इसके लिए आप कुछ सरप्राइज का भी प्रबंधन कर सकते हैं। चिंता ना करें, आज आपका दिन भाग्यशाली है और आपके हर प्रयास में सफलता साथ देगी। प्यार की ऊर्जा आपको खास बनाती है और यही कारण है कि लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। बात करते हैं करियर की। खुदाई मिट्टी या पाइपलाइन से संबंधित असाइनमेंट आपको आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे। आप में से कुछ लोगों को प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदी का भी सामना करना पड़ेगा। माँ की तरह की स्त्री या केयर टेकर की जरूरत के समय मदद करें। जुआ शेयर या सट्टेबाजी आपके लिए विनाश का कारण बन सकते हैं। आपके करीबी व्यक्तिगत संबंध आज आपकी प्राथमिकता रहेंगे। प्रशंसा और प्रोत्साहन कौशलों में विस्तार करने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। आज आपको लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उन क्षेत्रों को देखें जहां पहले आपने कार्य नहीं किया है। अन्वेषण आपके लिए आज महत्वपूर्ण रहेगा। आपको कुछ सार्थक मिल सकता है। अगर आप अपनी नौकरी स्थानांतरण की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन काफी शुभ हो सकता है। आपको शीघ्र ही एक नए नौकरी या एक नए वातावरण में भूमिका मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के लिए कुछ नई योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। बेहतर नतीजे भी सामने आएंगे। सेल्स टैक्स GST आदि से जुड़े काम जल्दी पूरे कर लें। अच्छे और शर्मिलने पर ज्यादा सोच विचार करना उचित नहीं है। बात करते हैं सेहत की। मौसम के अनुरूप दिनचर्या और खान पान रखें। वायु तथा पेट से संबंधित दिक्कतें रहेगी। आप कई कारणों से अपने फिटनेस और स्वास्थ्य कार्यक्रम का पालन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप वापस ट्रैक पर आ पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप मन से वापस उसी कार्यक्रम को ना अपनाना चाहते हों, लेकिन आपको यह बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना आपके लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। अपने पहले वाले फिटनेस कार्यक्रम को दोबारा शुरू ना करें। आप उस पर अब नहीं चल पाएंगे। इसकी बजाय धीरे धीरे एक एक कदम से शुरुआत करें। आज का उपाय: आज आप गुरु बृहस्पति की पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र धारण करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। प्रसाद के तौर पर चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।